आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड की जानकारी, आपके पैन कार्ड की जानकारी या आपके फोटोज, ये साइबर फ्रॉड के पास कैसे पहुंच जाते हैं? आप भी ये सोचते होंगे कि हमारे संबंधित जानकारियां हैं या हमारा डेटा है वो कैसे पहुंच जाता है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचा जा सकता है इनसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राहुल यादव है। अक्सर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ साइबर फ्रॉड में जागरूकता के संबंध में, जिससे लोगों को जागरूकता मिलती रहे कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। तो इसी संबंध में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप वो बताएंगे हम कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले होते हैं उनके पास आपका मोबाइल नंबर या अन्य जानकारियाँ कैसे पहुँच जाती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, आपको पता नहीं होगा कि जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जो एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं, तो कई लोग जी बी व्हाट्सअप है या अन्य जो लोन ऐप हैं उन्हें आप सीधा गूगल से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। जब इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन तो जाने अनजाने में आप ध्यान नहीं देते हैं, आपके लोकेशन का परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन, गैलरी की परमिशन, कॉन्टैक्ट की सारी जो परमिशन है वो लेता है पहले, उसके बाद ही इंस्टॉल होता है एप्लीकेशन। तो आप ध्यान नहीं देते हैं और वो परमिशन अलाउ कर देते हैं। जब आप अलाउ करते हैं तो सारा डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है, फ्रॉड करने वालों के पास पहुंच जाता है। वहां से फिर वो डेटा बेचते हैं, वो सेल करते हैं वहां से डेटा। तो जब बेचता है डेटा, उसके बाद आपको ये फ़ोन आते हैं। आप जैसे जो चाइनीज लोन ऐप जो चलते हैं, उन चाइनीज लोन ऐप में आप आधार कार्ड भेज देते हैं, पैन कार्ड भेज देते हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द से जल्द आपको पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए। आप समझ लीजिए कि इतना आसान नहीं है पैसा मिलना। आप किसी बैंक में जाइए, कितना डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना पड़ता है उसे लोन लेने के लिए, और ये लोग फ़ोन पे ही घर बैठे आपको लोन दे रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं तब इतना आसानी से आपको लोन दे रहे हैं, सोचने की बात है। तो इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। जितने भी चाइनीज लोन ऐप हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो इस तरह कोई एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद परमिशन वो मांग रहा है तो आप देखें परमिशन देनी है या नहीं देनी, उसके बाद ही उसे अलाउ करें। दूसरा क्या होता है कि आपने जैसे मोबाइल में अपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल में पड़ी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने एक दिन उस पर काम किया, उसके बाद वो मोबाइल में डली हुई है, लेकिन वो लगातार आपका डेटा ले रही है। इस बात को आप भूल जाइए कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपका डेटा नहीं ले रही है, डेटा वो लगातार ले रही है। तो इसलिए अगर कोई इंस्टॉल कर लिया है एप्लीकेशन तो आप उसे यूज़ करने के बाद उसे हटा लीजिए, और सेटिंग में जाके जितनी भी उसे परमिशन दी हुई हैं वो सारे डिनाई कर दीजिए, वहाँ से डिसेबल कर दीजिए, जिससे आपका डेटा सेफ बना रहेगा। क्या होता है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल में आपने देखा होगा कि आपने कोई चीज़ सर्च की गूगल पर जाके, उसके बाद आपको उसी तरह के ऐड दिखने लग जाएंगे। ये क्या है? ये यही है कि वो सारा डेटा ले रहा है आपसे, आप क्या सर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से ऐड देता है वो आपको, डेटा ले रहा है तभी वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, वो सेल कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जागरूकता ही साइबर फ्रॉड से बचने का उपाय है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है या कोई धोखाधड़ी हो जाती है, पैसे का गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार ने जो आपको बताया है मैंने पहले वीडियो में कि साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर जाके आप कंप्लेन दर्ज कीजिए, या वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो 1930 जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए, वहाँ से आपको बहुत जल्द से जल्द समाधान हो जाता है समस्या का। उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल साइबर फ्रॉड का हो, सोशल मीडिया फ्रॉड है, आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना ली है या कोई प्रोफाइल हैक कर ली है या अन्य कोई स्पैम कॉल आ रहे हैं, उस तरह के संबंध में भी आप वहाँ पर क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं।